फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर, मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न केवल अपनी भाषण शैली बल्कि अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी खासे जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यही हाजिर जवाबी एक बार फिर से लोगों के सामने आई विधानसभा सत्र के दौरान, जब उन्होंने कांग्रेस जो कि लगातार ओबीसी आरक्षण पर हंगामा कर रही थी विधानसभा सदन के भीतर, उसको जवाब देते हुए दिखाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को संकल्प पारित किया गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो। ये प्रस्ताव रखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिसका समर्थन किया था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के जो नेता हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर हंगामा करना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने यही तक कहा कि ये खुद उन्होंने ही कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि संकल्प पारित होना चाहिए। लेकिन जब ये पूरा विवाद चल रहा था तो उसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए और उन्होंने कांग्रेस को अपनी ही अंदाज में जवाब दिया। कैसे उन्होंने अपनी एक जवाब से न केवल विधानसभा सदन के भीतर बल्कि बाहर जिन लोगों ने भी इस भाषण को सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, उन्हें हंसने पे मजबूर कर दिया, एक बार वो बयान आप भी सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि मैं गया, मैं आमंत्रण दिया, गए तो आप हाईकोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, आरक्षण रुका आपके कारण, अब खुजा तो लिया और घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यही हाजिर जवाबी है जो समय समय पर दिखती रहती है। सदन के भीतर भी कई मौके ऐसे आते हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने हाजिर जवाबी से सामने वाले को चारों खाने चित कर देते हैं। ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान के बीच खबर यही है कि अब विधानसभा में सदन से संकल्प पारित हो गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव ना हो। लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों को लेकर जो कार्यक्रम तय है उसे यथावत रखता है या फिर उसमें कोई बदलाव करता है। लेकिन इतना जरूर है कि ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं।